किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जो इंसान सीखना छोड़ देता है वो बूढ़ा है, फिर चाहे वो 20 का हो या 80 का, और जो इंसान सीखता चला जाता है वो हमेशा जवान है, फिर चाहे वो 20 का हो या 80 का। मेरा नाम है आरजे कार्तिक, आप देखना शुरू कर चुके हैं एक नई कहानी, और आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने आप को तीरंदाजी में सर्वश्रेष्ठ मानने लगा था। उस लड़के को लगता था कि वो कोई सा भी निशाना हो उसे भेद सकता है, उसके बराबर का तीरंदाज पूरे राज्य में नहीं है। हालांकि लोग उससे कहते थे कि आपसे भी अच्छा एक तीरंदाज है, और हमेशा उसे एग्जाम्पल देते थे कि हमारे राज्य के जो सेनापति थे, जो अब रिटायर हो चुके हैं, संन्यास ले चुके हैं, जंगलों में रहते हैं, वो तुमसे अच्छे तीरंदाज हैं। लेकिन वो हमेशा उनको इग्नोर मारता था। वो जहाँ कहीं भी जाता था लोगों को बुलाता था कि आ जाओ मेरे साथ में कॉम्पिटिशन करो, और वो मतलब होता ना बुलजाई, लगातार बुलजाई मारता था। एक दिन उसे लगा कि मैंने सबको तो हरा दिया, मुझे उनके पास भी जाना चाहिए जिनको लोग बेस्ट कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं। कठिन रास्ता था, उसे पार करके पहुंचा ऊपर पहाड़ पर, झोपड़ी बना करके वो सेनापति रह रहे थे। एक वक्त में महान सेनापति थे, लेकिन अब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, संन्यास ले चुके थे, सन्यासी बन गए थे, अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे थे। ये लड़का वहां पहुंचा और जाकर के उनको प्रणाम किया और कहने लगा कि मैंने सुना है कि आप हमारे राज्य के महान सेनापति हैं, मैंने तो आपके वो युद्ध वगैरह देखे नहीं है लेकिन आपके बारे में सुना काफी है, और आज मैं यहां आपको चुनौती देने के लिए आया हूं, चैलेंज देने के लिए आया हूं। आपको बताया मैंने तीरंदाजी सीख ली है, मैं ऐसे ऐसे निशानों को भेद देता हूं जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता, आओ मैं आपको अपनी कला का प्रदर्शन करके दिखाता हूं। उसने जो निशाना था वो साध के दिखाया, बुलजाई मारी, उसके बाद में जो दूसरा तीर छोड़ा वो उस पहले वाली तीर को भेदता हुआ निकल गया। वो जो सेनापति थे, जो सन्यासी बन चुके थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो, अच्छा काम करते हैं, तुम यहां चुनौती लेकर के आओ, मैं तुम्हें एक और चुनौती देता हूं और उससे मालूम चलेगा कि कौन सबसे अच्छा है। लड़का और कॉन्फिडेंट था, उसने कहा ठीक है सर, आ जाइए, बताइए कहां चल रहा है। तो उन बाबा के पीछे वो चलने लगा, वो सेनापति जो सन्यासी बन चुके थे। पहाड़ के एकदम कोने पर पहुंच गए, पहाड़ दो पहाड़ों के बीच में खाई थी, उस जगह पर वो पहुंच चुके थे। उस लड़के को लगा कि पता नहीं क्या करवाने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से उसने देखा तो उन दो पहाड़ों के बीच में खाई में एक छोटा सा टूटा फूटा सा पुल था, किसी ने ऐसे ही लकड़ी का काम चलाओ पुल बना दिया था। वो जो सन्यासी थे, वो बाबा जो एक वक्त में सेनापति थे, धीरे धीरे चलने लगे और बीच में जाके खड़े हो गए। ये दूर से देख करके डर गया कि क्या करवा रहे हैं। उन्होंने कहा अरे आ जाओ, डरो मत। जैसे तैसे धीरे धीरे वहां तक ये पहुंचा। उसके बाद उन्होंने कहा कि यहां होगी वो असली परीक्षा। उन्होंने अपना धनुष लिया, तीर छोड़ा और जाकर के तीर सीधा सामने एक पहाड़ के तने पर जाकर के लगा। उसके बाद उन्होंने इस लड़के को धनुष दिया, तीर दिया और बोले कि सुनो, वो जो तीर लगाया उसको तुम्हें भेदना है, अगर तुमने कमाल कर दिया तो तुम असली चैंपियन हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। लड़के ने धनुष लिया, निशाना तो लगाया, लेकिन पता नहीं वो कहां जाकर के तीर गया, दिखाई नहीं, बुरे तरीके से वो चूक गया। माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। जब ये वापस उस पुल से पहाड़ की तरफ आए, सेफ जगह पर पहुंच गए, तो वो जो सेनापति थे, जो सन्यासी बन चुके थे, उन्होंने कहा कि सुनो बेटा, तुमने धनुष और तीर पर तो कंट्रोल करना सीख लिया है, लेकिन मन पर कंट्रोल नहीं है। जिस दिन मन पर कंट्रोल करना सीख लोगे, उस दिन चाहे जैसी सिचुएशन हो, तुम्हारा निशाना चूकेगा नहीं। और एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में याद रखना, सीखते चलना, सीखते रहोगे तो जवान रहोगे, सीखना बंद कर दोगे तो बूढ़े बन जाओगे। छोटी सी कहानी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज देती है, बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जिंदगी में कई बार हम सोचते हैं कि अब तो मैंने पा लिया ना जो पाना था, हम सीखना छोड़ देते हैं और जहां थे वहीं अटक के रह जाते हैं। अगर आप लाख रुपया कमा रहे हैं तो लाख रुपये पर अटक के रह जाते हैं, 10,000 कमा रहे हैं तो 10,000 पर अटक के रह जाते हैं, 50,000 कमा रहे हैं 50,000 पर अटक के रह जाते हैं। क्या आप वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक कोई नहीं पहुंचा, उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें सब कुछ आ गया। तो ये सब कुछ आ गया ये सोचना बंद कीजिए और सीखते चलिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई सीमा नहीं होती। एक बार फिर से कहूंगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक नई कहानी।